वेलकम डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज वन जी। एक्सरसाइज वन जी पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है। इस एक्सरसाइज में दो चीजें चलेंगी हमारे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। मतलब कि अरेंजिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे उन नंबर्स को क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करना है। जैसे कोई नंबर है 2, इधर है 3 और इधर है 6, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2, तो 2, उसके बाद में 3 और 6। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लो ये इस तरीके से होता है, जैसे 4, 6 और 3, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 3, फिर उसके बाद में 4 और उसके बाद में 6। मतलब ये कौन सा नंबर ऑर्डर हो गया आपका? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसी कैसी डिसेंडिंग ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर से जस्ट अपोजिट है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, मींस ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया था? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ गए थे, और डिसेंडिंग में क्या करना है? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ करना है, मतलब कि असेंडिंग का जस्ट अपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर को डायरेक्टली मतलब स्मॉलेस्ट को लिख सकते हैं एस और ग्रेटेस्ट को लिख सकते हैं जी। ठीक है, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जी मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो लेट स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1 जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट जी का क्वेश्चन फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सब आपको क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर ए में, जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको क्या करना है? आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। असेंडिंग, जहां पर असेंडिंग दे जाएगा वहां पे आपको क्या आएगा? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उसके बाद में बड़ा, फिर उसके बाद में बड़ा। इस पैटर्न से हम चलते हैं। तो सबसे पहले इस वाले नंबर दे रखे हैं, कितने नंबर से? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नंबर दे रखे। उसमें देखना है पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर देखना है पहले, तो पहले नंबर्स इन डिजिटों को काउंट करेंगे। ये इसमें कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 डिजिट है। इसमें डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब पहले देखना है इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है, मतलब कि एक डिजिट कम है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया हमारा? ये वाला नंबर। ठीक है, ये वाला नंबर हमारा सबसे छोटा हो गया 64,390। ठीक है, ये वाला नंबर हमारा सबसे छोटा हो गया। अब इन सब में 6 डिजिट थी, तो इन नंबर्स को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले डिजिट इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 5 है और इधर 2 है। मींस
3 सेम है, 5 बड़ा है और 2 सबसे छोटा है, तो इसके बाद में फर्स्ट नंबर के बाद में कौन सा जाएगा, सेकंड, ये वाला 268,563, ठीक है, दो नंबर हट गए। उसके बाद में हम इन तीनों में कंपैरिजन करना है। अब इन तीनों में देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दोनों में सेम सेम नंबर है, ये 5-12 लास्ट में जाएगा, ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेकंड नंबर देखेंगे, इधर 6 है, इधर 6 है, ये भी दोनों सेम है, तो इससे भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। इधर कितना है 4 और इधर कितना है 8। अब देखो पहले इधर 4 है और इधर 8 है, तो 4 छोटा होता है, 8 छोटा है, 4 छोटा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, ये वाला थर्ड नंबर भी आ गया, 364,200, ठीक है। अब आपके पास 3 नंबर हो चुके हैं, 2 नंबर आपके लेफ्ट है, तो दो नंबर, इन दोनों में आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अब ये दोनों सेम थे तो ये आया थर्ड नंबर पे, तो ये कौन से पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे, क्योंकि इन दोनों की फर्स्ट डिजिट सेम थी ना, तो इन दोनों में कंपैरिजन करा था, तो ये पहले आ गया, तो उसके बाद ये आ जाएगा। अब कौन आया जो लास्ट में बचा है, वो आ जाएगा, क्योंकि अब तो इसको किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, तो लास्ट में जो बचा है वो अपना आ जाएगा। एक एग्जांपल यहां, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है आपका, ठीक है। अब इसमें भी वही असेंडिंग ऑर्डर पे जाना है, मतलब कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, ठीक है, तो पहले सबसे पहले इनमें डिजिट्स काउंट करेंगे, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए देंगे 6, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिख देंगे 6, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ डिजिट है, और इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है, तो सबसे कम डिजिट इसमें इस वाले नंबर में, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, 29,340, ठीक है, ये नंबर हो गया कंप्लीट, इसको छोड़ देंगे। अब इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है और इसमें 6 है, तो इन सबको क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इनका। आप देखो सबसे फर्स्ट डिजिट कौन सी है, इसमें 5, इसमें 1, इसमें तो छोड़ देंगे क्योंकि लिख चुके हैं हम, इसमें भी 1 और इसमें 2, मतलब कि इसमें है हमारी 5, इसमें कितनी आई थी 1, इसमें कितनी आया था हमारा 1 और इसमें कितना आया था 2। अब ये दोनों सेम है, ये 5 वाला है, ये 2 वाला है, सबसे छोटा कौन सा है 1। अब 1 दो जगह आ रहा, तो क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, इस वाले में और इस वाले, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, सेकंड डिजिट देखेंगे, वन के बाद में इधर क्या आ रहा है 0 और इधर क्या आ रहा है 4, मतलब कि 0 छोटा होता है, 4 छोटा होता है, कौन सा छोटा होता है 0, तो इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ये हो गया। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहा था, पहले ये आ गया, तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से बचे हैं, ये वाला और ये वाला, इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 2, तो 2 छोटा होता है 5 छोटा होता है, 2 छोटा होता है, इसलिए तो क्या लिखेंगे 246,340, लास्ट में हमारे पास जो नंबर बचा उसको राइट कर देंगे, क्योंकि इसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ए और बी समझ में आ गए होंगे, अगर ए और बी समझ में आ गए हैं तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लें, सी और डी की समझने की कोशिश करें, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को चला के ए और बी दोबारा से समझें और सी और डी
करेक्ट ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट कर लें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in descending order. अब पहले हमने क्या पढ़ा था, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि क्या करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, मतलब कि इसका अपोजिट करेंगे तो ग्रेटेस्ट पहले आ जाएगा और स्मॉलेस्ट कहाँ आ जाएगा, बाद में। सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, ग्रेटेस्ट, और उसके बाद में स्मॉलेस्ट। जैसे ग्राफ पे सबसे पहले ग्रेटर, फिर उसके बाद में उससे छोटा, उससे बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको लिखना है। अब इन सब में कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, सारे डिजिट को काउंट करेंगे। पहले डिजिट्स काउंट करेंगे, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसमें 1 2 3 4 5 6। सब में 6 डिजिट है, लेकिन इसमें कितने डिजिट है, 5। लेकिन इसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर, इसमें 5 डिजिट है, तो इसमें सबसे कम डिजिट है, सबसे कम डिजिट है, सबसे छोटा नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे। असेंडिंग में हमने इसको सबसे पहले लिखा था, सबसे पहले इसको बैठाया था, लेकिन अब क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सबसे पीछे बैठा देंगे, ठीक है। इसको सबसे पीछे बैठाएंगे तो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको लगा रहने देंगे अभी। अब 6 डिजिट वालों को कंपैरिजन करेंगे, 6 डिजिट वालों को कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखते हैं इधर कितना है 6, इधर कितना है 3, इधर 5 और इधर 3, और इधर भी, सॉरी इसको नहीं, इसको करेंगे, ठीक है। इधर 6 है, इधर 3 है, इधर 1 है और इधर 3 है। तो सबसे बड़ा नंबर देखना है आपको, इधर 6 3 1 और 3, सबसे बड़ा नंबर है आपका 6। तो और किसी नंबर में 6 है, नहीं है, तो इसको किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे, और इसको क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे रख देंगे, ठीक है। इसको हटाया यहाँ से और फर्स्ट नंबर पे 6 वाले को रख दिया, हो गया इसका, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड नंबर पे 6 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, 3 और 3, दोनों सेम है, बन तो थर्ड सेम छोटा होता है 3 से भी, तो इन दोनों में ये 3 है और ये 3 है, अब इन दोनों में सेम वैल्यू होगी फर्स्ट वाले की, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का आगे से कंपैरिजन करेंगे, इधर 3 है और इधर 3 है, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे इधर कितना है 3 और इधर कितना है 4, तो बड़ा नंबर हम देखेंगे, पहले 3 होता है, 4 होता है, 4 होता है, तो कौन सा लिखेंगे, इस वाले नंबर को सेकंड नंबर पे रख देंगे, ठीक है। जब इसमें और इसमें कंपैरिजन हुआ, इसको लिख दिया, तो कौन सा बचा, ये वाला नंबर, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर पे, अब
अब कौन सा बचा लास्ट में, वन बचा, तो कौन सा है वन वाला, ये वाला, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे। ठीक है, अब ये भी हट गया। अब हमारे पास लास्ट नंबर कौन सा बचा है, ये वाला नंबर बचा है, इसको हमने कहीं भी नहीं रखा। इसके पास कितने डिजिट थी, फाइव, सबसे कम डिजिट थी इसके पास, तो इसको भी हमने लास्ट में रख दिया। इसको नाराज नहीं करेंगे, सबको बैठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बी इसी के जैसा, ये वाला नोट कर लें और क्वेश्चन बी। सबसे पहले क्या है, वही क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे पहले बड़ा नंबर देखना है, तो पहले डिजिट्स काउंट करनी है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 की डिजिट है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है, और इसमें 6 है, मतलब सबसे कम डिजिट किसके पास है, इसके पास तो सबसे लास्ट नंबर कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसको अभी रखा रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इन चारों नंबरों पे कब रिजल्ट करते हैं, तो सबसे पहला नंबर इधर 8, इधर 6, इधर 9 और इधर 6, मतलब कि 8 6 9 एंड 6। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 6 9 और 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9, कौन सा वाला है, ये वाला, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, राइट कर देंगे 9 1 2 8 9 5। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 8 6 9 6 था ना, तो 9 हट गया, अब कौन सा आ जाएगा, 8 वाला, क्योंकि 6 तो 8 से छोटा होता है, तो 9 से छोटा जस्ट छोटा कौन सा होता है, 8, तो 8 वाला नंबर कौन सा है, ये वाला, इसको इस पर रख देंगे सेकंड वाले नंबर पे, राइट करेंगे 8,20,125। ठीक है, अब देखो इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों में 6 है, सेम है, तो क्या करेंगे, अगले नंबर से इसका कंपैरिजन करेंगे, इसमें 6 और इसमें 6, अगला देखो ये कितना है, 2 और ये कितना है, 2, ये भी दोनों सेम है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये कितना है, 1 और ये कितना है, 5। ठीक है, इधर 5 है और इधर 1 है, बड़ा कौन सा है, 5, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आ गया, फिर कौन सा बचा, ये वाला, क्योंकि इसमें और इसमें कंपैरिजन कर रहे थे, तो ये वाला अगर हट गया तो कौन सा बचा, ये वाला, तो ये कौन किस पे आ जाएगा, फोर्थ पे। अब लास्ट में कौन बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, लास्ट में कौन बचा, ये वाला, तो इसको भी रख लेंगे, इसको भी नाराज नहीं करेंगे, इसको राइट करेंगे अपन। ओके, सारे नंबर अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं, ए और बी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, आ गए होंगे, एक बार दोबारा से देख लें। ठीक है, और सी और डी दोनों करने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।